मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी उपमा। तो सबसे पहले हम एक मेजरिंग, जिससे भी आप मेजर करते हो उससे ले लेना। मैं ये बॉल से मेजर करके ले रही हूँ, एक वन बॉल दलिया, वन एंड हाफ। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। याद रहे हमने इसे करना है ड्राई रोस्ट। इसे हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट तक रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। जब तक हमारा दलिया ड्राई रोस्ट हो रहा है, मैंने एक कुकर लिया है, उसमें लूँगी मैं बहुत ही थोड़ा सा घी। अगर आप घी नहीं खाते हो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका पसंद हो, ऑयल, बटर, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड सीड्स, क्योंकि हम उपमा बना रहे हैं, इसे हम साउथ इंडियन टच देंगे। याद रहे हमें मस्टर्ड सीड्स ही याद डालना है, राई का थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है, इसलिए हम मस्टर्ड सीड्स ही डालेंगे। और फिर इसमें मैं थोड़े से डाल दूंगी अप्रॉक्स 1 टीस्पून उड़द की दाल, टेबलस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ग्रीन चिली और ये डाल सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालना। फिर इसमें मैं डालूंगी अनियन, करी पत्ता, मैं इसमें डालूंगी मोस्टली हुए चने की दाल, इसे मैंने हाफ कटोरी से थोड़ा कम लिया हुआ है। ये मैंने चने की दाल डाल दी और ये मैं डालूंगी इसमें थोड़े से गाजर, कैप्सिकम। मैं एक ये 2 मिनट तक सौते कर दूँगा, चने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए जब तक मैंने उधर किया तब तक ये दलिया हमारा अप्रॉक्स हो चुका है रोस्ट। तो आप इसे गैस पे फुल फ्लेम पे चढ़ा के नहीं छोड़े, फिर ये जल जाएगा। तो मैंने इसे लो फ्लेम करके 2 मिनट तक ट्राई कर लिया है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद। ये 1 से 2 मिनट हो चुके हैं हमारा, हमारे वेजिटेबल्स और दाल अप्रॉक्स भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप्ड टमाटोज। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, बीन्स, कॉलीफ्लावर, पीस, जो भी आपको पसंद हो। देखिए ये हमारी सब्जियाँ हो चुकी फ्राई। अब जो हमने दलिया को रोस्ट किया था वो इसमें डाल देंगे। इसको भी 1-2 मिनट तक चला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, ये आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। और मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दूंगी, मैंने हाफ नींबू लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो हमने जो बॉल लिया है उसी के मेजरमेंट से लेना है। तो मैंने 1 बॉल पानी लिया है, जितना हमने जितना दलिया लिया था उसका डबल पानी ले लेंगे। तो हमने ये वन एंड हाफ बॉल लिया था, तो मैंने 3 बॉल पानी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगा के पकाऊंगी, कोई 3-4 विसिल होने तक पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 2 से 3 विसिल हो चुके हैं, कुकर ठंडा हो चुका है। तो हमारा दलिया हो चुका है रेडी। ये देखें हमारा दलिया हो चुका है रेडी, दलिया उपमा सॉरी। और ये देखिए कितना खिला खिला बना है हमारा, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। हमने इसमें हल्दी ऐड नहीं किया है क्योंकि हमें इसे उपमा बना रहे हैं, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं।
तो ये है बिल्कुल हेल्दी उपमा।